हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी को मॉर्निंग की राधे राधे। और बज रहे हैं 7:15। मैं उठी थी 6:45। 6:30 उठने के बाद फटाफट से झाड़ू वगैरह लगाना, और सुबह उठ के मैं ज़्यादा वैसा काम नहीं करती हूँ क्योंकि सुबह परी को मुझे जल्दी से खाना बना के देना होता है। तो सुबह उठती हूँ, फटाफट से कमरे में झाड़ लगा के फ्रेश होके कॉलगेट करके, और उसके बाद मैं परी को लंच बना के, मतलब उसको जो भी बना के देना होता है वो दे देती हूँ। तो आज परी और शौर्य ने बोला था मुझसे कि मम्मी मैक्रोनी बना देना, रोटी सब्जी भी बना देती हूँ, पूड़ी सब्जी भी बना देती हूँ, पराठा भी बना देती हूँ, मतलब जो ठीक लगता है वो बना देती हूँ और जो जल्दी बन जाता है, क्योंकि मेरे पास ना सिर्फ आधा घंटा होता है। आधे घंटे में चाहे मैं रोटी सब्जी बना दूँ, पर काफ़ी टाइम से मैंने बच्चों को मैक्रोनी नहीं दी है, तो आज मैंने बना दी है मैक्रोनी। मैक्रोनी बन चुकी है और अभी मैं कुकर में आलू और अरबी उबलने रख के आई हूँ। अब मैं आई हूँ शौर्य को जगाने, क्योंकि शौर्य का जो स्कूल है ना वो हैगा 7:30 का, तो इसको जगा देती हूँ। अभी हैंगे आधा पौना घंटा हैगा, तो इसको जगा देती हूँ। ये तब तक होगा तैयार, अभी फ्रेश होगा, नहाएगा। ये देखो ये सो रहा है। शौर्य चलो उठ जाओ भाई, चलो उठो, टाइम हो रहा है, जल्दी खड़े हो जाओ। खड़े अभी 1 घंटा है। हाँ 1 घंटा है, टाइम देखना जरा, टाइम देखो जल्दी, खड़े हो जाओ। 7:30 का है ना स्कूल, खड़े हो जाओ फटाफट। तो ये देखो जग नहीं रहा है, ये देखो मैं ज़्यादा दिखा नहीं रही हूँ, और जब तक ये उठेगा तब तक मैं यहाँ का बिस्तर वगैरह क्लीन कर लूँगी। और कमरा आप लोगों को पता ही है रात में कैसा हो जाता है, सभी लोगों के रूम ऐसे ही हो जाते होंगे। तब तक यहाँ पे क्लीन करूँगी, तब तक मेरी आलू और अरबी उबल जाएंगे, तो इसको भी मैं मैक्रोनी पैक करके दे दूँगी। इसको भी कॉलगेट खुद कर लेगा, लेकिन पता है कि बच्चों के साथ में ना लगना पड़ता है। चलो शौर्य उठ जाओ। तो चलिए मैं जल्दी से इसे उठा देती हूँ क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। सो कमरे की थोड़ी बहुत डस्टिंग मैंने कर दी है, शौर्य गया हुआ है नहाने के लिए, और पता है अभी काम करते करते ना पंखा बंद हो गया। पता नहीं पंखे में क्या प्रॉब्लम हो गई। आजकल पता है क्या हो रहा है कि कोई भी चीज़ ख़राब हो जा रही है। अभी फ्रिज ख़राब हो गया, अभी वो ठीक नहीं हुआ, उससे पहले अभी ये पंखा ख़राब हो गया, चलते चलते अचानक से बंद हो गया है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। और अभी कल गैस जलते जलते एकदम सिम हो गई, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में ही नहीं आता। कभी कभी ना थोड़ा सा मन डरने लगता है, बोलते हैं कि ऐसे ना मतलब सारी चीज़ें एकदम से अचानक से ख़राब होती है ना तो ठीक नहीं होता है, तो मन ना मेरा तो थोड़ा सा घबरा जाता है। अचानक से चलते चलते पंखा बंद हो गया है, और मुझे ना सुबह से लग रहा था कि इसमें ना कोई प्रॉब्लम हैगी, क्योंकि कम चल रहा था लेकिन बंद हो गया है। और अभी तो फ्रिज ही ठीक नहीं हुआ है और पंखा बंद हो गया है। एक पे एक मुसीबत आए जा रही है। मुसीबत क्या है, मतलब कि जब आपका किसी चीज़ का बजट ना हो तो फिर ये लगता है यार कि एक चीज़ अभी ठीक नहीं हो पाई और दूसरी चीज़ ख़राब हो गई है। अभी फ्रिज ठीक नहीं हुआ है, 4-5 दिन हो गए हैं, 4-5 दिन से हम लोग बिना फ्रिज के रह रहे हैं, और गैस भर चुकी है उसमें। अभी तो बोला गैस ख़त्म हो रखी है, गैस भर चुकी है। गैस भरने के बाद भी ना अभी भी उसमें दिक्कत हो रखी है, ठीक ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, दिमाग ख़राब हो रहा है, पता नहीं। वैसे बोलते हैं कि इस वाले मौसम में, जो बारिश का मौसम होता है ना, इस वाले मौसम में चीज़ें ज़्यादा ख़राब होती हैं। मैंने ये कई जगह पढ़ा है कि ये बारिश के सीज़न में ना चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं, और ऐसा होता है कि एक होती है तो फिर लगातार होती हैं। बट ये है कि आप अपने माइंड में जो भी थॉट बैठा लो, तो मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बार बार सारी चीज़ें क्यों ख़राब हो रही हैं। तो चलिए मैं अब थोड़ा सा यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगा दूँ। वैसे तो टेम्परेली मैंने लगा दी थी सुबह, लेकिन अब मैं दोबारा से लगा देती हूँ जब तक वो नहा के आएगा, फिर उसके बाद उसको नाश्ता वगैरह कराऊँगी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। कमरे को मैंने थोड़ा सा क्लीन कर दिया है, अब मेरे को टेंशन हो गई यार, पंखा बंद, फ्रिज बंद, सब चीज़ बंद हो रखी है। सो
फ्रेंड्स, अभी शौर्य नहा रहा था तो मैंने बच्चों के लिए तो मैक्रोनी बना दी थी, परी स्कूल चली गई थी और मैंने ऊपर का कमरा भी क्लीन कर दिया था। शौर्य नहा के आएगा तो अभी मैंने यहाँ पे अरबी की सब्ज़ी छौंक दी है और मैंने ना 4-5 आलू भी उबाल लिए थे क्योंकि बच्चे अरबी की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तो मैं अरबी की सब्ज़ी भी छौंक दूंगी इस टाइम पे। और पता है इस टाइम पे इतनी गर्मी हो रही है, मेरी मतलब पूरे फेस पे ना दाने दाने निकले जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मतलब वो पेन सा करते हैं, उनमें ना ईचिंग सी मचती रहती है। तो यहाँ पे मैं आलू की सब्ज़ी भी छौंक दूंगी तो बस मेरी सब्जियाँ बन जाएंगी, क्योंकि दोपहर के लिए मैं सब्ज़ी छौंकने के लिए नहीं रखती हूँ क्योंकि इस टाइम ना गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी में ना कोई काम करने का मन नहीं करता इस टाइम पर। मैं अपने स्टिचिंग का काम भी ना बहुत ज़्यादा कम कर रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है और ऊपर के कमरे में तो आप लोगों को पता ही है कि कितनी गर्मी, और आज पंखा भी ख़राब हो गया। मतलब अभी फ्रिज ठीक नहीं हुआ, उसके बाद पंखा ख़राब हो गया, तो मुसीबत पे मुसीबत। आप समझ सकते हो ना कि जब आपका बजट ना और आपकी चीज़ें ख़राब होती हैं तो फिर है ना गुस्सा आती है और फिर मन में ये भी। हेलो फ्रेंड्स, और पता है मैंने आप लोगों के साथ कुछ ज़्यादा शेयर नहीं कर पाया, मैंने सब्जी छौंकी थी तो बस वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी क्योंकि सुबह सुबह ना इतनी जल्दी होती है, ऐसा लगता है बस फटाफट से अपना काम निपटा लो। मतलब काम निपटा लो क्या, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों की इतनी जल्दी होती है। सुबह का तो मैं सोचती हूँ कि सुबह ना जब भी मैं अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी ना तो सुबह से स्टार्ट करूँगी क्योंकि सुबह आजकल 5-5:30 बजे उठ जाती हूँ, 5:30 बजे सोचती हूँ नहा लूँ, लेकिन नहाने की सोचती हूँ ना तो उससे पहले इतने सारे काम नज़र आते हैं, ऐसा लगता है कि चलो भाई ये काम करके फिर ही नहाओ। और उसके बाद पता है क्या कि हमारे यहाँ ना डॉगी पला हुआ है तो मुझे ना पूरे घर की क्लीनिंग करनी होती है ना, तो मुझे ना नहा के बिना नहाया हुआ सा नहीं लगता फिर, तो मैं सोचती हूँ पहले झाड़ू पोछा वगैरह कर लूँ। लेकिन सुबह सुबह उठते के साथ बच्चों को तैयार करना, बच्चे देखो बड़े तो हो गए लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो आप लोगों को पता ही है, बच्चे कितने भी बड़े हो जाएँ जब तक उनको मम्मी कुछ ना दे तब तक उनका होता नहीं है। तो उसके बाद उनके लिए लंच बनाना, 6:30 बजे परी जाती है, फिर उसके बाद 7:30 बजे शौर्य जाता है, फिर पापा वगैरह भी खाना खाते हैं। तो मैंने अरबी की सब्ज़ी बना दी है, थोड़े से आलू बना दिए क्योंकि बच्चे अरबी की सब्ज़ी नहीं खाएंगे, मैक्रोनी बन चुकी है, रोटियां मैंने नहीं बनाई क्योंकि सबने मैक्रोनी का नाश्ता कर लिया है और फ्रिज ख़राब हो रखा है ना इस टाइम, इतना दिमाग ख़राब हो रहा है, 3-4 दिन हो गए हैं ठंडा पानी पीने को नहीं मिल रहा है। हालाँकि क्या नाम है, पड़ोस से मैंने बर्फ़ ले ली थी और कल फ्रिज गैस वाले मतलब फ्रिज वाले भैया गैस भर के गए थे तो शाम को कूलिंग ही नहीं की उसने, तो भैया बोल रहे हैं कि इसकी टाइमिंग ज़्यादा हो गई, अब देखो ठीक होता है तो हो जाएगा वरना तो कुछ पता नहीं है कि ठीक होगा भी कि नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टाइम ऐसा होता है कभी कभी कि ना आपकी एक चीज़ सही नहीं हो पाती है तब तक दूसरी चीज़ ख़राब हो जाती है। सो अभी कुछ दिन पहले सेल ख़त्म हुआ था घड़ी का, मतलब मैं बता रही हूँ आपको कि ये मत सोचना कि ये तो नॉर्मली चीज़ें होती है, होती तो नॉर्मल है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना जैसे कि एक चीज़ ख़राब हो गई फिर एक महीने बाद एक चीज़ ख़राब हुई, बट पता है कभी कभी क्या होता है कि एक चीज़ आपका ठीक होगा तब तक दूसरा ख़राब हो जाएगा, दूसरा ठीक होगा तब तक तीसरा ख़राब हो जाएगा, तीसरा ठीक होगा तब तक चौथा ख़राब हो जाएगा। अभी फ्रिज ठीक नहीं हो पाया, सुबह पंखा चल रहा था, पंखा चलते चलते बंद हो गया अचानक, ऐसे ही फ्रिज रात को हम लोगों ने ठंडा पानी पिया है और सुबह एकदम बंद हो गया और उस दिन घड़ी चलते चलते मेरे सामने ही बंद हो गई। तो मतलब है ना ये सब चीज़ें देख के ना एकदम से आ सकता है ऐसा क्या है, क्योंकि ये बोलते हैं कि इस तरीके से ना इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खराब होना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, कोई दोष माना जाता है। सो मेरे माइंड में भी वही सारी चीज़ें आ रही थी कि मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आता है। तो फिर उसमें अब देखो वैसे तो ये बरसात का सीज़न है, बरसात के सीज़न में बोलते हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा ख़राब होती हैं, मैं दोनों तरीके से सोच लेती हूँ लेकिन कभी कभी ना माइंड में ये सब चीज़ें भी आ जाती हैं क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ये सब चीज़ें बोलते हैं ना, तो हमारे माइंड में भी कहीं ना कहीं बैठी रहती हैं। कौन कौन किस किस को लगता है ऐसा ये बताना आप लोग मुझे। मतलब वैसे ना कभी कभी कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो नहीं लगता, बट जब एक चीज़ ठीक ना हो पाए, दूसरी ख़राब हो जाए, दूसरी ठीक ना हो पाए, तीसरी ख़राब हो जाए, तो फिर मुझे लगता है कि पता नहीं क्या परेशानी है और पता नहीं क्या प्रॉब्लम है जो इस तरीके से ऐसे हो रहा है बार बार। और देखो आज आएंगे, अभी ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ करना पड़ेगा। और अभी देखती हूँ, मैंने जो मेरे भाई साहब हैं उनसे बोला है कि पंखा देख लें, पंखे में क्या प्रॉब्लम हो गई है, बिना पंखे के तो रहा भी नहीं जाता इस टाइम, इतनी गंदी वाली गर्मी हो रही है। और अभी मेरे को किचन साफ़ करनी है, पहले मैं नीचे सफाई कर दूँ क्योंकि जो भैया हैं वो आने वाले हैं फ्रिज साफ़ करने वाले भैया, तो फ्रिज साफ़ करने वाले भैया। मेरा माइंड तो देखो आप अब ये सोचो कि आप है ना मैं सुबह ब्लॉग कैसे बनाऊँ, मेरा माइंड ना सुबह सुबह इतना डिस्टर्ब हो जाता है काम करते करते, मतलब कि ये लगता है बच्चों को ये करो वो करो ये करो वो करो, तो समझ में नहीं आता क्या करना है। अभी ऊपर जाके मुझे अलमारी भी ठीक करनी है क्योंकि बच्चों ने अलमारी पूरी ख़राब कर रखी है, तो वो अलमारी भी मुझे ठीक करनी है, आज अलमारी के कपड़े भी सही करने हैं। और
पता नहीं कैसे करूँगी इतना काम। और पता है मेरा आजकल ना ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मैं सोचती हूँ कि ना आप लोगों के साथ है ना अच्छे अच्छे ब्लॉग शेयर करूँ, और पता है इसलिए मन और नहीं करता क्योंकि हम लोग ब्लॉग बनाते हैं और आप लोग है ना अच्छे से देखते नहीं हो। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, अगर आप लोगों को ब्लॉग में कोई कमी नज़र आती है सो प्लीज़ हमें बताइए, तो हम थोड़ा सा चेंज लेके आएंगे। क्योंकि एक तो इस टाइम तो मेरी ना इतनी मतलब रेल बनी हुई है, सुबह उठो, उठने के बाद मेरी क्या यार, सभी जो माएँ हैं उन्हीं की सबकी रेल होनी, सुबह उठो, उठते के साथ बच्चों को, दोनों बच्चों को खाना, फिर उसके बाद घर का सारा काम करना, फिर जब तक घर के काम से फ्री होती हूँ 11 बजे के लगभग, 11:30-11 बजे घर के काम से फ्री होती हूँ, फिर करती हूँ मैं वीडियो एडिटिंग करके रख देती हूँ। उसके बाद मैं जाती हूँ शौर्य को 1 बजे स्कूल लेने, ठीक है, और 1 बजे स्कूल लेने के बाद फिर मैं आके उनके लिए रोटियाँ वोटियाँ सेकती हूँ, फिर इतना थक जाती हूँ, आधा एक घंटे के लिए मेरी लग जाती है आँख मतलब थोड़ी देर के लिए मैं सोती हूँ ना, उसके बाद उठ के फिर करती हूँ सिलाई करने के बाद इसी बीच मतलब मैं इस बीच अपनी वीडियो भी अपलोड कर देती हूँ, और सिलाई करने के बाद शाम हो जाती है, फिर शाम का काम हो गया। तो इस तरीके से जो मेरा लाइफ रूटीन है ना इस तरीके से चल रहा है, और इस बीच वीडियो एडिटिंग करना, वीडियो बनाना बहुत हो जाती है क्योंकि लोगों को लगता है कि 10 मिनट की वीडियो है तो ये तो क्या है, नॉर्मली ऐसी बन जाती होगी, बट वीडियो बनाना इतना भी आसान नहीं होता है, लोगों को लगता है, जो लोग बनाते होंगे उनको पता होगा कि सोचना पड़ता है कि अब यार कैमरा उठाएं या ना उठाएं, पहले काम कर लें या फिर पहले कैमरा उठाएं, तो ऐसा होता है। पहले मुझे मतलब शुरू शुरू में तो बहुत एक्साइटमेंट थी, लेकिन अब है ना क्या है इतने सारे काम हो जाते हैं। पहले तो ये था कि बच्चों के स्कूल नहीं खुले हुए थे और अब बच्चों के स्कूल खुल गए, क्योंकि जब मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट किया था तब बच्चों के स्कूल ओपन नहीं थे, अब बच्चों के स्कूल ओपन हो गए हैं। तो पता है क्या है कि समझ ही नहीं आता है कि मैं कैमरा उठाऊं या ना उठाऊं। कोशिश करती हूँ मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में ब्लॉग बनाने की, बट नहीं हो पाता, मतलब ऐसा लगता है बस जल्दी जल्दी, मतलब 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक मुझे परी के लिए ना लंच तैयार करना होता है, चाहे उसमें मैं रोटी सब्जी बनाऊं या फिर पूड़ी सब्जी बना के दूं। और पता है मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं सुबह नहा के खाना बनाया करूं, अगर मैं नहाने धोने में रह गई ना तो बच्चे भूखे ही जाएंगे, तो इसलिए मैं सुबह बच्चों के लिए खाना ऐसे ही बना देती हूँ। क्या करें यार, बच्चों को भूखा भी नहीं भेज सकते हैं, कितने बजे उठे हैं, रात को सोते सोते भी तो 12 बज जाते हैं, और उठे कितने बजे, दिन में भी ज़्यादा सो नहीं पाती हूँ मैं, तो आप समझ सकते हैं। सो चलिए मैं अब थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत क्यों, काम तो सारे करना है, तो बस अब मैं करती हूँ काम। पहले तो मैं करती हूँ झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद किचन क्लीन करती हूँ। आज मैं पूरे घर को धोऊंगी, सबसे पहले तो आज मैं ना पूरे घर को धोने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आज मैं ना पूरा घर धोना चाहिए, क्योंकि बहुत चीज़ें ना ऐसी होती हैं जो नेगेटिव वाइब्स वगैरह होती हैं, तो आज मैं थोड़ा सा पूरा घर धोने वाली हूँ, फिर नहा धो के पूरे घर में गंगा जल छिड़कूँगी, और उसके बाद सिर्फ मैंने अभी कुछ नहीं खाया, चाय वगैरह पी है, बस सिर्फ चाय पी लेती हूँ मैं, क्योंकि मेरे ना हाथ पैरों में ना बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे अंदर ब्लड की कमी है, और मुझे ऐसा लग रहा है ब्लड की कमी जो है ना वो फिर से आ रही है, क्योंकि मेरे हाथ वगैरह ना बिल्कुल ना सफ़ेद रहते हैं, बिल्कुल सफ़ेद। तो देखते हैं, कभी डॉक्टर से चेक करवाऊंगी मैं, और डार्क सर्कल्स भी मेरे अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा, गर्मी भी हो रही है थोड़ी सी। तो चलिए अब मैं करती हूँ काम, फिर मिलते हैं अभी आप लोगों से थोड़ी देर में। तो सबसे पहले तो मैं बर्तन धोती हूँ जाके, क्योंकि बर्तनों का भी ना ढेर लग रहा है, बर्तन भी बहुत सारे हो रहे हैं, किचन को क्लीन करने में ही आधा घंटा लग जाएगा। उसके बाद मैं पूरे में कर देती हूँ धुलाई, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में।